दोस्तों, हमारे देश भारत में ऐसे कई रहस्यमय स्थान मौजूद है। उनमें चाहे रहस्यमय किलो हो, बावड़ी हो या फिर भूतिया गांव हो, ऐसी ही एक जगह राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद है, जहां वीरान पड़े गांव में आज कोई पक्षी भी नहीं भटक सकता है। कहते हैं कि यह भूतों के अलावा कोई नहीं रह सकता है। जैसलमेर के धोरों में बसा यह गांव आज से 200 वर्षों पहले तक बड़ा ही समृद्ध था, मगर एक दिन ऐसा आया जब यहाँ के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली करना पड़ गया। कहते हैं कि अधिकांश लोग यहाँ से भागने में सफल रहे, मगर बूढ़े बीमार जो चल फिर नहीं सकते थे, उनको यही तड़प तड़प कर अपनी जान देनी पड़ी। साथ ही जाते जाते उन लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं बस सकेगा। आइए, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ कि यहाँ के सभी लोगों को रातों रात गांव खाली करना पड़ गया था। उन लोगों ने इस गांव को क्या श्राप दिया था? इस गांव का रिसर्च करने आए कई वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया? इसके बाद सरकार ने यहां रात में जाने से मना करवा दिया। आइए जानते हैं भारत के इस रहस्य में भूतिया गांव की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, कई सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक कदान नाम के ब्राह्मण ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। शख्स था जो जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्ण मासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। इसलिए गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहां कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन दो गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के एक गाइड का कुलधरा के बारे में क्या कहना है। ये जो गांव अभी आप देख रहे हैं, ये ऐसे 84 विलेज है। ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव। कुलधरा इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं। घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं, जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे, जो कि इस कुलधरा गांव से वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर, जेर डालकर यही मर गए थे। इस गांव में जितने भी मंदिर है, उस सभी मंदिरों के अंदर मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब गांव खाली हुआ था तो गांव वाले मूर्ति साथ में लेके गए थे। बताते हैं कि यहाँ के पुजारी इनका सिंध प्राण गांव था, सेवा पूजा का काम किया करते थे। उस गांव में एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेकर जाता था।
उनसे लड़कियों को बचाने के लिए मकानों के अंदर काव डंग होता था, जो गोबर नीप के बनाकर ऊपर लकड़ियों को बिठाकर गांव वाले लेके गए। बताते हैं कि इस गांव में आज कोई भी चीज ले जा नहीं सकता है, जो भी लेकर जाता है उसकी बीमारी हो जाती है। यह गांव आज रूहानी ताकतों के कब्जे में है, पर्यटक स्थल में बदल चुके हैं। कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहां से कुछ समय पहले ही गया है। यहां की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज यहां के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वह आवाज 18वीं सदी का वह दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है। कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत वात्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहां कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वह कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा की मानी जाए तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वह ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया, जहां कहीं आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। तो दोस्तों, आप भी इस जगह का आनंद लेना चाहते हैं तो आप कुलधरा गांव में रोजाना सुबह से शाम तक घूम सकते हैं, और क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है इसीलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह जगह जैसलमेर के नजदीक थार रेगिस्तान में होने की वजह से बहुत गर्म रहती है, इसीलिए यहां घूमने के सबसे अच्छे महीने दिसंबर और जनवरी के हैं, जब आपको यहां गर्मी नहीं लगेगी और धूप से परेशान हुए बिना आप रेगिस्तान में सुनसान पड़े इस कुलधरा गांव को आराम से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी। मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।